सी ने अपनी कमियों को सुधारते हुए या जैसा कि स्कूलों ने इंफॉर्मेशन दिया है कि आगे वाले एग्जामिनेशन में यानी आई के एग्जामिनेशन ट्वेंटी फर्स्ट और ट्वेंटी सेकेंड से हैं उनमें रिपोर्टिंग नेसेसरी है और अब ये रिपोर्टिंग क्या है स्टूडेंट के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आखिर आपको क्यों जानना चाहिए यह एक हैप्पी न्यूज है सभी स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे इवन आईसीसी के स्टूडेंट के लिए भी तो पॉली इस इंफॉर्मेशन को आप अच्छी तरह से जान लीजिए ये आपके हक की बात है या यूं कह लीजिए कि इस इंफॉर्मेशन के बाद आई और आई के भी स्टूडेंट 2024 में और आगे के भी बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी हद तक रिलैक्स महसूस करेंगे इंफॉर्मेशन जो अभी दी गई है बताता है कि जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन होम सेंटर पर कंडक्ट हो रहे हैं या अन्य सारे सेंटरों पर भी सी आई एस के गाइडलाइंस में कंडक्ट हो रहे हैं देश भर के डिफरेंट स्कूलों में और अब्रॉड भी तो वहाँ पर तीन बातें कही गई हैं पहला कि इन एग्जामिनेशन को पूरी तरह से अंडर द सर्विलांस ऑफ सीसीटीवी कैमराज कंडक्ट किए जाए कि किसी तरह के मिसलीडिंग से बचा जा सके और दूसरी बात ये कही गई है कि स्टूडेंट इन एग्जामिनेशनों की रिपोर्टिंग कर सकते हैं और उन्हें उस एग्जाम सेंटर के हेड को अपने इंफॉर्मेशन दिए जा सकते हैं अगर मैटर कुछ ग्रेव कंसर्न हो तो आप सीधे सी को भी उसके वेबसाइट पर ईमेल दे दिए गए हैं कॉन्टैक्ट मी भेज दे दिए गए हैं तो कॉन्टैक्ट सी पर भी जाके अपने इंफॉर्मेशन को लोड कर सकते हैं और आप के हाथ में कौन कौन सा अधिकार है क्या कर सकते हैं या कोई या आप अपने स्कूल को क्या कर सकते हैं सबसे पहली बात कि आप एग्जामिनेशन देते हो एग्जामिनेशन देने के दौरान यदि आपको किसी तरह की परेशानी होती है सी सी ने बहुत सारे गाइडलाइंस अपने वेबसाइट पर जारी किए हैं और स्कूलों को भी बताया है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट होने से पहले बता दिए जाए अगर स्टूडेंट को वो गाइडलाइंस के हिसाब से कमोडिटीज या फैसिलिटीज नहीं मिलते हैं तो वो उसका कंप्लेन कर सकता है दूसरी बात ये है कि अगर एग्जामिनेशन के दौरान स्टूडेंट किसी तरह की कि असुविधा महसूस करता है किसी हेल्थ इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले या आफ्टर एग्जामिनेशन वो बता दे ताकि एग्जाम सेंटर पर उसके लिए सही व्यवस्थाएं की जा सके और थर्ड है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यही कही जा रही है यदि क्वेश्चन पेपर को लेकर स्टूडेंट को किसी तरह का प्रॉब्लम फेस होता है या स्टूडेंट महसूस करते हैं कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है या यह महसूस होता है कि क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन मिस्टेक्स हैं या फिर एग्जामिनेशन के दौरान कॉपी को लेकर उसे किसी तरह के प्रॉब्लम होती है तो बेधड़क बिना डरे अपने बातों को उसे कहने का अधिकार है अब वो किसे कह सकता है तो एग्जामिनेशन सेंटर के इंचार्ज को ऑफिस इंचार्ज को जो एग्जामिनेशन सेंटर पर इन्विजिलेटर या फिर दूसरे स्कूलों से भेजे गए इन्विजिलेटर होते हैं उनको अपनी बातें कह के इस बात की दुरुस्तगी करवा लें कि आपके जो एग्जामिनेशन हुए उसमें किसी तरह के प्रॉब्लम फेस करने पर उनको करेक्ट किया जा सकता है यदि एग्जामिनेशन सेंटर में किसी तरह के मिस्टेक्स होते हैं आपके प्रॉब्लम होता है या आपको ऐसा लगता है कि इन बातों को बताया जाना चाहिए तो वो आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं और आपकी बातें सी तक पहुंची जानी चाहिए ये बातों को लेकर टीचरों को भी कहा गया है स्कूलों को भी कहा गया है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद आप अपना रिपोर्ट दें ही दें सपोज कीजिए कि मैं इंग्लिश पेपर वन और इंग्लिश पेपर टू आई का एग्जामिनेशन हेड था अपने स्कूल के सेंटर पर तो मुझे उन एग्जामिनेशनों को लेकर अपना जो भी मंतव्य है और पूरे जो इन जो इन्विजिलेशन हुआ बाहर से आए इन्विजिलेटर इंटरनल है या जो एग्जामिनेशन प्रोसेस रहा उसके रिपोर्ट बना के मुझे अपने स्कूल के हेड को देने होंगे और स्कूल के हेड के रिकमेंडेशन पर सी को भेजने होंगे और उसमें यह इनपुट्स स्टूडेंट के द्वारा दिए जाएंगे कि क्वेश्चन पेपर उनके सामने क्लियर किए गए क्वेश्चन पेपर टाइम पर दिए गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के दौरान स्टूडेंट को किसी तरह के प्रॉब्लम नहीं आए और क्वेश्चन पेपर के जो रिक्वायर्ड टाइमिंग है और पढ़ स्टडी टाइमिंग भी दिए जा, जाते हैं फिफ्टीन मिनट्स प्रत्येक पेपर के लिए वो दिए गए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आया अगर किसी तरह के प्रॉब्लम आए हैं और स्टूडेंट ने महसूस किया तो इस विषय पर आपको इन बातों को करेक्ट करना होगा अच्छी तरह से और यदि इस तरह के जो भी प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट नहीं किया जाता है विद इन ट्वेंटी फोर आवर तो एग्जामिनेशन सेंटर की जो प्रतिबद्धता है या एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जामिनेशन कंडक्ट होने उसको रद्द किया जाता सकता है इसी के साथ यह कहा जा रहा है कि आई सी एस सी का जो एग्जामिनेशन मॉड्यूल है उनमें टेन ईयर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है और टेन ईयर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस बार आई क्लास टेंथ के इंग्लिश पेपर को लेकर साफ साफ बताया गया है कि इस बार स्टूडेंट है जो इंग्लिश पेपर के लिए इंग्लिश पेपर वन के लिए चार साल को देख सकते हैं 2017, 18, 19 और 2022 ये चार साल के पेपर 2017, 18, 19 और 22 को एक बार रिवाइज करके देख ले क्योंकि तो इनसे आने की चांसेज हैं और इसके आंसर को दोहरा ले क्योंकि एग्जामिनेशन में ग्रामर का पैटर्न सेम होने वाला है और जिस तरह से रूल्स हैं पहले फोर हंड्रेड वर्ड्स में लिखे जाते थे राइटिंग इंग्लिश पेपर वन का पहला क्वेश्चन अब थ्री हंड्रेड फिफ्टी थ्री हंड्रेड से थ्री हंड्रेड फिफ्टी है तो केवल वर्ड का चेंजेज है एक नए पैटर्न के तहत तो तो आपको नोटिस राइटिंग लाए गए हैं और ईमेल है तो जो फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर है उसका पैटर्न जो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में स्पेसिफाई किया गया था जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुए ही नहीं तो उसको लेकर है या ट्वेंटी में ही स्पेसिफाई किया गया था सॉरी मैं टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का ट्वेंटी में ही स्पेसिफाई उसको आप देख लें और इसके साथ जो मैथ के पेपर हैं आईएससी के लिए उसके लिए तीन साल के पेपर को कहा गया कि स्टूडेंट अच्छी तरह से रिवाइज कर ले मैं इस बुक के लिए कहा हूँ कि यहाँ पर मैथमेटिक्स के पेपर में कहा गया है कि स्टूडेंट है जो कि 2015-16 फिर 2018-19 और 22 को देख सकते हैं 23 का फॉर्मेट एक आइडियल फॉर्मेट है ये बताया गया और ये जो आज एक सेमिनार था और उसमें इस बात को कहा गया तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें